हेलो एंड वेलकम टू मीनाक्षी किचन। आज हम बनाएंगे मोमोज, जिसके लिए हमने डो तैयार किया हुआ है। ये है मैदा, इसमें हमने साल्ट और थोड़ा सा बेकिंग सोडा और इसमें हमने घी डाल के इसको गूंद लिया है, जो कि हमने घंटा पहले गूंदना है इसको। और ये हमने इसकी स्टफिंग के लिए हमने इसमें कैबेज, अनियन और शिमला मिर्च इसका मसाला तैयार किया है। इसमें हमने ब्लैक पेपर, साल्ट, चाट मसाला डाल के तैयार कर लिया है। चाहे आप इसकी स्टफिंग कर सकते हैं या आप इसमें जिंजर गार्लिक की स्टफिंग कर सकते हैं। स्टफिंग आप चाहे पनीर की कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड है। जो मोमोज का आटा है और जो इसका मटेरियल है वो हमने घंटा पहले तैयार करना है ताकि ठंडा हो जाए। अब हम इसके मोमोज बनाएंगे। इसके लिए हम एक छोटा सा लेंगे, डो की बोल लेंगे छोटी सी, एक चकले पे अपने थोड़ा घी लगा के इसको पतला सा एक रोटी की शेप में छोटा सा हमने बेल लेना है। ऐसे बेल के इसमें हमने थोड़ी स्टफिंग लेनी है, उस स्टफिंग को सेंटर में रखना है। और इसको इस तरीके से हमने इसको ऐसे ऐसे करके किस तरीके की इसकी शेप दे देनी है। आप चाहे इसको लंबा शेप दे सकते हैं, चाहे मोदक की जैसे शेप होती है वैसे शेप दे दीजिए। इस तरह हम अपने मोमोज तैयार कर लेंगे। और ऐसे मोमोज तैयार करके आपके पास अगर स्टीमर है तो स्टीमर में 3 मिनट के लिए स्टीम कर सकते हैं, नहीं तो अगर माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में 3 मिनट के लिए स्टीम कर सकते हैं।